हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम में अगर आप लोगों ने दो अकाउंट बनाया है और आप लोग यहाँ पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप लोग यहाँ पे स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग कैसे स्विच करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में यहाँ पे दो अकाउंट बनाए हैं, है ना, दो ईमेल आईडी से यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है और आप लोग यहाँ पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यहाँ पे स्विच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन में जो इंस्टाग्राम है उसको आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो पेज है, आपका जो प्रोफाइल है वो दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर की ओर ये जो आपका जो भी अकाउंट अभी आप मतलब कि अभी यूज़ कर रहे हैं, जो जो भी अकाउंट आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दूसरे ईमेल आईडी में स्विच करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे में ऐड अकाउंट का आ रहा है ऑप्शन। बट अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में दो अलग अलग अकाउंट बनाया होगा तो आपको यहाँ पे जो भी दूसरा अकाउंट रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आप लोगों के फ़ोन में भी इस तरीके से ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने अभी तक जो है इंस्टाग्राम में दो अकाउंट नहीं बनाए हैं। तो आपका जो पहला अकाउंट है वो यहाँ पे दिखाई देगा और दूसरा अकाउंट यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो अगर आपके फ़ोन में ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग ऐड कर लीजिए दूसरे अकाउंट को, उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्विच कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने बना लिया है तो आपको यहाँ पे दूसरा अकाउंट का जीमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से जैसे कि ये दिखाई दे रहा वैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।